चलो बताओ बेटा यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। गोटी और पत्ती। अभी दो लाइन में गोटी है और दो लाइन में पत्ती और गोटी दोनों चीजें मिक्स हैं, है ना ये चीज। अब बताओ ये किस किस रंग की गोटी है। पहली वाली लाइन कौन गिनेगा? एक लोग गिनो कोई। कितने हैं ये? नाइन गोटियां हैं, ठीक है। नाइन नौ बनाने आते हैं ना, कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं नौ? बनाओ। वेरी गुड। अब नीचे वाली लाइन कौन गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों इसमें कितनी है? नाइन नौ, ठीक है। इसमें भी नौ है, इसमें भी नौ है। अब मैं तुमसे पूछू कि काली गोटी किसके पीछे, कितनी गोटियों के पीछे है काली गोटी? एक के पीछे। और फिर कितनी गोटियों के बाद है? तीन से। तीन के बाद। फिर कितने के बाद है? एक के बाद, ठीक है। सबसे आगे कौन सी गोटी है? पीली। पीली। सबसे पीछे कौन सी गोटी है? काली। और इसमें काली गोटी कितनी गोटियों के बाद है? दो। फिर एक के बाद। फिर एक के बाद। अब मैं तुमसे 10-10 का बंडल बनाने को बोलूं तो बना दोगे? गोटियों से बनाओ 10 का बंडल। नहीं ऐसे करके इसके ऊपर रख के ऐसे 10 का बंडल। नहीं पीली भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गई 10? 1 2 3 4 5 6 7 ही धोई, 10 कहाँ हुई? 10 बनाओ। कितनी हो गई है? 10, ठीक है। अब इन गोटियों का बंडल बनाओ। कितनी है? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी 8 है और ये 10 है, ठीक। ये गोटियां 8 हो गई है, 10 हो गई। अब तुम्हें इकाई दहाई पढ़ाया है, बताया। अब 10 और 8 कितनी हो गई? 18। कितनी हो गई? 18। मतलब 10 जब पूरा ये जो 10 हो गई, ठीक है, ये किस में आ जाती है? दहाई में। और 1 से लेके 8 तक 9 तक की गिनती हमारी आती है इकाई में। जैसे 10 का बंडल होगा वैसे ये किस में आ जाएगा? दहाई में। बताइए बात, बताइए तो जोर से बोलो इस तरह से। अब बना लोगे, ठीक। अब मैं दोबारा से इसे ऐसा कर दूं। अब मैं बोलूं 5-5 का बंडल बनाओ, 5-5 का बंडल बना दो। एक एक करके बनाओ, एक एक करके। पांच पांच का एक बंडल है, ठीक है। ये तीन गोटियां हम हटा दे रहे हैं। पांच पांच कितने बंडल हमारे पास? तीन। तो अब कितनी हो गई गोटियां हमारे पास? 15। कैसे पता करा? इनको जोड़ा गुणा करा, क्या किया? 5 में 10 और 5 किया तो 15। जोड़ लिया। अब हम इसे गुणा भी कर सकते थे लेकिन तुम जोड़ तक ही सीखो, ठीक है। अभी तो इस तरह से हमारी ये गोटियां कितनी हो गई? 15। इसी तरह से देखो ये पत्तियां लगी हैं। अब ये पत्तियां गिनो, कितनी पत्तियां? 1 2 3 4 5 6 7 एक एक लाइन की गिनो, एक एक। 1 2 3 4 5 एक लाइन में पत्तियां 5 है, दूसरी लाइन में 7 है। अच्छा गोटी कितनी पत्तियों के बाद है? 2। गोटी कितनी पत्तियों के बाद है? 1। और इधर? 3। इधर कितनी गोटियां? इधर कितनी पत्तियां? 3। तो अगर मैं कभी ये पूछ लिया जाए कि आपके पीछे कौन है या आपके आगे कौन है या बीच में कौन है तो बता दोगे ना? अगर मैं यहाँ पे 2 गोटियां रख दूं ऐसे, अब मैं पूछूं कि 2 गोटियां कितनी पत्तियों के आगे और कितनी पत्तियां उनसे पीछे हैं तो बता दोगे? गिनो कितनी पत्तियों के पीछे। मैम 3 4 आगे। कितनी गोटियां आगे? 4।
ये कितनी पत्तियां दिख रही हैं? गिनो जरा, तो चार कैसे बोल रहे हो फिर? तो तीन पत्तियां गोटी से आगे आगे हैं, और पीछे कितनी पत्तियां हैं? चार। गिनो, एक दो तीन चार। चार कैसे बनते हैं पता है? अब मैं आपसे बोलूं कि ये मैंने हटा दी, ये अब इन पत्तियों का अगर मैं बंडल बनाने को बोलूं, तीन तीन का बंडल बनाओ, तीन तीन का, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये कितनी है? एक दो तीन। अब बताओ मुझे ये कुल पत्तियां कितनी हुई? बारह। क्या करा? जोड़ा। चार वो तीन, तीन छः, तीन छः, छः बारह, छः छः तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह। वेरी गुड, इस तरह से समझ गए ना?